क्या कारण है कि आज के समय में शादियां टिक नहीं पाती हैं? तलाक की नौबत आ जा रही है और इतनी ज्यादा तलाक के नौबत आने के कारण क्या हैं? इस वीडियो को अंत तक देखें आप और जानिए कि मेरे द्वारा बताए गए ये 5 उपाय अगर आप करते हैं आपकी जिंदगी में सुखमय जीवन शुरू हो सकता है। नमस्कार, मैं ज्योतिषी आर्य सोनी। पिछले 40 वर्षों से ज्योतिष के क्षेत्र में काम करते हुए यंत्र मंत्र तंत्र रत्न दान दक्षिणा पूजा पाठ होम हवन जप तप एवं रुद्राक्ष के द्वारा मैं लोगों के जीवन में आने वाली समस्याओं का निदान करता आ रहा हूं। आजकल सबसे बड़ी समस्या यह है कि वैवाहिक संबंध टिक नहीं पाते हैं। लड़के लड़की उनके परिवार के लोग तलाक की नौबत ना आ जाए इस बात को लेकर के परेशान से होते रहते हैं। क्या ज्योतिष के द्वारा विवाह के पूर्व या विवाह के बाद तलाक की नौबत को लेकर के जो मन में डर बना हुआ रहता है, चाहे वो लड़के लड़की हो या उनके परिवार के लोग हों, इसका समाधान किया जा सकता है? एक बार तलाक की नौबत अगर जिंदगी में आ जाती है, चाहे वो लड़के की जिंदगी में हो या लड़की की जिंदगी में, उनका पूरा परिवार धन दौलत के साथ साथ समय का बर्बाद होना, परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है और पूरी की पूरी जिंदगी नरक बन जाती है, समाज में भी वो खुद भी। मैं आपको इतना भी बता देता हूँ कि वो आर्थिक मानसिक पारिवारिक सामाजिक और भी कई तरह से इतना टूट जाता है परिवार या लड़का और लड़की कि फिर जिंदगी में संभलने का वक्त नहीं मिल पाता। अगर संभलते भी हैं तो फिर इतना डर डर करके जीते हैं कि जैसे उनकी जिंदगी मानो व्यर्थ हो गई है। ज्योतिष विज्ञान एक इतना गहरा शास्त्र है कि पूरी दुनिया की सभी समस्याओं का निराकरण और कौन सी समस्या आने वाली है इसका भी कारण ज्योतिष विज्ञान में जाना जा सकता है, ऐसा ज्योतिष शास्त्र में पाया गया है और लोगों ने जाना है और आज भी उस पर अध्ययन चल रहा है। खैर, आपको पता नहीं होगा लेकिन मैं ज्योतिष के हिसाब से बता रहा हूँ कि जो सप्तम भाव होता है जन्म कुंडली का, उसका मालिक अगर किसी दो पाप ग्रहों के बीच बैठ गया हो, सातवें घर में पाप ग्रह बैठ गया हो या सातवें घर पर पाप ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, तो जिंदगी में इस तरह की समस्याएं आती हैं। आपको मैं बताऊं कि जिंदगी में मंगल ग्रह का बहुत बड़ा प्रभाव होता है जीवन में, कि मंगल ग्रह आपकी जन्म कुंडली में कहाँ बैठा हुआ है, उसका पति पर कैसा प्रभाव पड़ेगा या पत्नी पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, आप देख लीजिए अपनी जिंदगी में उठा करके। कभी कभी आपके खुद के जीवन में आकलन कीजिए कि आपको आपकी पत्नी की बात इतनी बुरी लग जाती है कि आप सोचते हैं कि मैं कल छोड़ दूंगा और ऐसी पत्नी का साथ नहीं रहना, और फिर पल भर में आपका ख्याल बदलता है, दूसरे दिन ख्याल बदलता है कि नहीं, हमारी पत्नी और लोगों से बहुत अच्छी है या हमारा पति और लोगों से बहुत अच्छा है, तो आखिर इसके पीछे का कारण क्या है? अगर परिवार में एक दूसरे को किसी किसी बात पर कटाक्ष किया जा रहा है या कुछ ऐसी बातें बोली जा रही हैं जो बात चुभने लगती है, वह चाहे लड़की कह रही हो, लड़का कह रहा है, वो लड़के की माँ कह रही हो, लड़की की माँ कह रही हो, या एक दूसरे का परिवार एक दूसरे के परिवार पर कटाक्ष कर रहा है, तो जानते हैं ये आपकी गलती नहीं है, इसमें दोष है तो सिर्फ और सिर्फ ग्रहों की स्थितियों का, जिसका शायद आपने विवाह के पहले या विवाह के बाद निराकरण करने की कोशिश नहीं की। ग्रहों की स्थितियाँ इस बात की सूचना देने लगती हैं कि आपकी ज़िंदगी में आपका आने वाला समय कैसा है, आपके पति के साथ आपका संबंध कैसा रहेगा, आपकी पत्नी के साथ संबंध कैसा रहेगा। ये तब आता है जब ग्रहों की स्थिति खराब होती है। जन्म कुंडली का सातवां घर वैवाहिक जीवन का कारक होता है, उसी घर से विवाह के बारे में देखा जा सकता है उस घर में कौन सा ग्रह बैठा है। अगर सौम्य ग्रह बैठा है, अच्छा ग्रह बैठा है, तो ज़िंदगी खुशहाल होगी, लेकिन अच्छे ग्रह के साथ साथ अगर उस घर में सातवें घर में कोई पाप ग्रह बैठा है, राहु बैठ गया है, केतु बैठ गया है, शनि बैठ गया, मंगल बैठ गया, ये जो पाप ग्रह होते हैं, क्रूर ग्रह होते हैं, ये ज़िंदगी को बर्बाद कर देते हैं, और बर्बाद तो तब और करते हैं जब इनकी दशाएँ आती हैं, या इन घरों पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, किसी नीच ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, या सातवें घर का मालिक किसी दो पाप ग्रहों के बीच फंस गया हो, जिसको हम पाप कर्तरी योग कहते हैं। इन स्थितियों में आदमी की जिंदगी तबाह हो जाती है और ऐसे ही लोग आखिरकार एक न एक दिन विवाद करते हुए एक दूसरे को नरक की स्थिति समझाते हुए कि तुम्हारे कारण मेरी जिंदगी नरक हुई है,
इन बातों को लेकर के एक न एक दिन आदमी तलाक की स्थिति तक आ जाता है और यहाँ तक हो जाती है कि बात कोर्ट कचहरी तक जा करके संबंध विच्छेद की नौबत ला देता है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब मैंने आपको पहले ही बताया कि ग्रहों की स्थिति ही आपके जीवन में ये बातें लाती हैं, तो क्यों नहीं आप अपनी ज़िंदगी को संभालने के लिए उन ग्रहों के स्थितियों का निराकरण करें, उन ग्रहों की स्थितियों को बदलें कि कौन सा पाप ग्रह हमारी ज़िंदगी में दखल दे रहा है, हमारी ज़िंदगी को उजाड़ रहा है, तो उन ग्रहों के उपाय करके आप अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। अब ये मैं 5 उपाय आपको बताने जा रहा हूँ जो आपके जीवन में आने वाले जो तनाव है, पति पत्नी के बीच का जो तनाव है, उसे दूर करने के लिए मेरे द्वारा बताए गए ये 5 उपाय अगर आप करते हैं, आपकी ज़िंदगी में सुखमय जीवन शुरू हो सकता है। सबसे पहला उपाय ये है कि आप अपने दोनों पति पत्नी का फोटो कम से कम 6x6 का तो हो, जिसमें दोनों की तस्वीर होनी चाहिए, ये फ्रेम करवा करके इसे जिस बेडरूम में आप सोते हैं, जहाँ पे भी आप सोते हैं, वहाँ दक्षिण पश्चिम की जो दीवार है तो पश्चिमी दीवार पर लगाएं और आप दोनों के फोटो का मुंह पूरब की तरफ होना चाहिए और उस पर एक ऐसा बल्ब लगाएं, लाल रंग का फोकस आपकी तस्वीरों पे पड़ता रहे और ये पूरे दिन और रात जलता रहे। इस तरह से अगर आप अपने घर में अपने फोटो लगाते हैं पश्चिमी दीवार पर, दक्षिण पश्चिम के कोने में, जो अशांति आपके जीवन में चल रही है उसमें शांति आएगी और आप दोनों के प्रेम में परस्पर बढ़ोतरी होती जाएगी और आपका जीवन सुखमय होता जाएगा। दूसरा उपाय यह है कि अगर आप घर में किसी एक देवी देवता का पूजा करते हैं, जैसे भगवान शिव की पूजा करते हैं, भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, तो मेरा कहना यह है कि आप जोड़ी की पूजा करें। जोड़ी का मतलब होता है कि राधा कृष्ण की पूजा करें, माता विष्णु लक्ष्मी की पूजा करें, सीता राम की पूजा करें, शिव पार्वती की पूजा करें। जोड़ी की पूजा करेंगे तो आपके घर में जो तनावपूर्ण माहौल चल रहा है वो माहौल से शांति मिलेगी। तीसरा उपाय ये है कि अगर आप हिंदुस्तान में कहीं भी रहते होंगे तो वहाँ पीपल का वृक्ष होगा, यदि पीपल वृक्ष को प्रत्येक सोमवार दूध डाल करके आप जल दे रहे हैं, अर्घ दे रहे हैं और फिर पीपल पेड़ को स्पर्श करके अपने मन की तमन्ना कह रहे हैं, अपने मन की इच्छा कह रहे हैं कि हे भगवान, जो भी आप इस वृक्ष के देवता हैं, मैं उनसे प्रार्थना करती हूँ कि मेरे जीवन में जो आने वाली समस्या है या जो समस्या चल रही है उसे दूर करें, यह मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, तो धीरे 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 7 सोमवार आप दूध से भरा जल अगर अर्घ देते हैं पीपल वृक्ष को, तो आपके जीवन में आने वाली समस्याएं दूर होने लगेंगी। चौथा उपाय है कि भगवान शिव के मंदिर में आप प्रत्येक रविवार लाल गुलाब का फूल चढ़ाएं और हो सके तो जोड़े के साथ जाएं। आप पुरुष हैं तो अपनी स्त्री के साथ जाएं और अगर आप स्त्री हैं तो अपने पुरुष को साथ में लेकर के जाएं, अपने पति को साथ में ले जा करके भगवान शिव के पिंड पर लाल गुलाब का फूल दोनों लोगों का हाथ लगा रहे और चढ़ाएं, वहाँ अगरबत्ती जलाएं या कपूर जलाएं और भगवान से प्रार्थना करें और उस मंदिर में हो सके तो 2-5 मिनट बैठें और अपने मन की प्रार्थना करके फिर वहाँ से निकलें। इससे वैवाहिक जीवन सुखी होने लगता है। यदि कोई पति दूर रहता है, पत्नी घर पर रहती है और आपस में प्रेम में कमी आई हुई है, तो घर पर रहने वाली स्त्री माँ लक्ष्मी के मंत्र का जप अगर करती है नित्य शाम के समय, तो उसका पति उसके बारे में सोचने लगता है। अगर पुरुष है, उसकी पत्नी नाराज चल रही है या उससे मनमुटाव चल रहा है या प्रेम संबंध सही नहीं बन पा रहे हैं, तो पुरुष को चाहिए कि किसी भी कृष्ण भगवान के मंदिर में जा करके बांसुरी अर्पण करें। एक बार वह शुक्रवार के दिन जा करके बांसुरी अर्पण करता है और भगवान कृष्ण से प्रार्थना करता है अपने प्रेम के लिए, अपनी पत्नी के प्रेम के लिए, तो उस पर परमात्मा की कृपा बरसती है और धीरे 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 उसका जीवन सुखी होने लगता है और दोनों के बीच आपस में परस्पर प्रेम बढ़ने लगता है। यदि आप मुझसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क करना चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, अपने जीवन में जो पारिवारिक समस्याएँ हैं उनको जड़ से मिटाना चाहते हैं, इन बातों के लिए आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप लोगों की किसी भी प्रकार की समस्या के लिए मुझे कमेंट करें ताकि मैं उस समस्या पर आपको वीडियो बनाकर दे सकूं। धन्यवाद।